कुदरत की बेरहमी का शिकार बना एक व्यक्ति, कुदरत ने जान ले ली विपिन लिंगडो की। ये प्रतिवेदन आपको सोचने पे मजबूर कर सकती है, हम इंसान कितने बेबस है इस दुनिया में। आज दोपहर उमड़ासो में एक जोड़ की बिजली गिरी, उस बिजली ने विपिन की जान ले ली। जानकारी है कि आज दोपहर के करीब 1 बजे उमड़ासो का मौसम अचानक बदला और उस बदलाव में कड़कती धूप से अचानक मौसम बदलते हुए बिजलियां गरजने लगी। इधर उमड़ासो के 14 किलोमीटर में विपिन लिंगडो अपने घर के छत मरम्मत करने में व्यस्त थे। अचानक उनके घर के आंगन के पैर में बिजली पड़ी। पैर को छेड़ती हुई बिजली विपिन लिंगडो के शरीर के भी आर पार हो जाती है, जिससे विपिन लिंगडो की जान चली जाती है। अचानक हुई कुदरत की इस हमले में कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही 40 वर्ष के विपिन लिंगडो अपने जान गवा देते हैं। वो मेरा बचपन का दोस्त था विपिन लिंगडो। उनका नाम क्या है? विपिन लिंगडो। वो 14 किलो लुंगरुंग का था। वो 12:30 बजे आज जो चट्टान मारा बिजली, वो बिजली उसका घर में, अपने घर में था बारिंदा में, तो बारिंदा में आके वो बिजली लग गया उसका। तो वो बिजली लगने का बाद में वो हॉस्पिटल आते आते में उसका डेथ हो गया। तो सब बोल रहा था कि छोटा बेटा को भी लगा, तो छोटा बेटा भी अभी बेटा बेटी मतलब बाप तो डेथ हो गया, बाप तो गुजर गया, लेकिन बेटा तो अभी घर चल रहा है। बेटा का एक ही साथ में बेटा एक साथ में था? हाँ, घर में था, घर कोई होल फैमिली घर में था। और कहीं ये एक अजीब दृश्य था, तस्वीर में आप देख पा रहे हो। इस घटना में विपिन लिंगडो के साथ उसका बेटा सिल्वियन लिंगडो भी घायल हुआ, उसके पैर में पड़ी बिजली के कुछ अंश। बहरहाल उमड़ासो के CHC में उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स का कहना है सिल्वियन लिंगडो सेफ है। बारिश में छत में काम कर रहा था तो बिजली गिर के उधर में ही नीचे गिर के ऐसे। अच्छा, कितने जन थे ये लोग? कितने जन थे लेके आया? तो मेरा टाइम में तो खाली एक जन आया, अभी उनका बच्चा को लेके आया। बच्चा बच्चा का कंडीशन क्या है फिलहाल? बच्चा कंडीशन ठीक ठाक है, तो कुछ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, स्टेबल है। फिर भी हम लोग उसको और जाँच के लिए हम लोग उसको हॉस्पिटल में जाने के लिए एडवाइस कर दिया। विपिन लिंगडो के साथ हुए इस घटना ने आज पूरे दिन भर उमड़ासो को सुन्न कर रखा है।